नमस्कार, मैं राजीव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे शिक्षा में सुनील निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIITI द्वारा संकेत एक रोचक वादरों नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT प्राइमरी बोर्ड के चौथी कक्षा के हिंदी पाठ पुस्तक रिमझिम के पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर पाठ में छत्तीसगढ़ के एक नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय और कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIITI के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। प्रस्तुत पाठ स्वतंत्रता की ओर पाठ का सारांश यह है कि इसमें महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किए जाने वाले नमक सत्याग्रह और उनके अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। इसमें हिंदी के साथ पर्यावरण अध्ययन विषय को भी समाहित किया गया है। नवाचार की नवीनता। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र गतिविधि का आनंद लेते हुए सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं। इससे अभिव्यक्ति की क्षमता और लेखन शैली भी विकसित होती है। आइए इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को देखते हैं। इसके अंतर्गत अपने मन की बात जैसे चित्र या शब्द लिखी हुई पर्चियों की सहायता से छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ में विभिन्न क्रिया संज्ञा विशेषण एवं शब्दावली पर समझ विकसित करने के लिए पुनः अध्ययन की अवधारणा के साथ लागू किया जाता है। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। इसमें पूर्व प्रबंधन के तौर पर रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटे से बॉक्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। गतिविधि को शुरू करने से पहले शिक्षक यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता की ओर पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। गतिविधि कराने से एक दिन पहले शिक्षक सभी विद्यार्थियों को पाठ में आए एक नए शब्द को पर्ची पर लिखकर या उसका चित्र बनाकर लाने के लिए कहते हैं और पर्ची की दूसरी तरफ अपना नाम और कक्षा भी लिखने के लिए बोलते हैं। शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर से बॉक्स को विद्यार्थियों से ही सजवाते हैं और उस पर शब्द सागर लिख देते हैं। शिक्षक गतिविधि के नियम बता देते हैं और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से भाग लेने का अवसर भी देते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा पर्ची पर लिख कर लाए गए शब्द या चित्र को शब्द सागर बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर किसी भी एक विद्यार्थी को बुलाकर डाली गई पर्चियों में से एक पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है। वह पर्ची निकालता है और उस पर लिखे शब्द को ऊंची आवाज में पढ़ता है तथा उससे संबंधित एक वाक्य बोलकर कॉन्सेप्ट की जानकारी देता है। आइए क्रियान्वयन को उदाहरण से समझते हैं। एक विद्यार्थी आगे आकर बॉक्स से पर्ची निकालता है जिस पर चरखा लिखा हुआ है। विद्यार्थी पर्ची देखकर ऊंची आवाज में बोलता है चरखा। फिर शब्द से जुड़ी कॉन्सेप्ट की जानकारी भी बताता है जैसे चरखा लकड़ी का बना होता है। अन्य विद्यार्थी आगे आकर पर्ची उठाता है जिस पर मीठा लिखा है। अब विद्यार्थी पर्ची देखकर ऊंची आवाज में बोलता है मीठा और उससे जुड़े एक कॉन्सेप्ट की जानकारी बताता है जैसे हलवा मीठा होता है। इसी तरह बारी बारी से विद्यार्थी आगे आते हैं और पर्ची उठाते हैं, शब्द बोलते हैं और शब्द से जुड़ा एक वाक्य या उसकी विशेषता बोलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा वाक्य या शब्द ना बोल पाने की स्थिति में शिक्षक उनकी मदद करते हैं और गतिविधि के समापन के साथ ही विद्यार्थियों को नए नए शब्दों के बारे में जानकारी के साथ पाठ का दोहराव हो जाता है। आइए इस नवाचार को लागू करने से होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में भी जानते हैं। इस गतिविधि में पाठ से शब्दों या वाक्यों का चुनाव करके उन्हें पर्चियों पर लिखने और फिर एक एक कर शब्द को विषय वस्तु के साथ कर जोड़ कर बोलने से कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाती है और याद भी हो जाती है। विद्यार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं, शब्दों के सही उच्चारण सीखते हैं और शब्दों के अर्थ भी समझते हैं और वाक्य बनाना भी सीखते हैं। इससे विषय के साथ साथ भाषा का भी ज्ञान बढ़ता है। पढ़े हुए पाठ के बारे में बातचीत करते हैं, अपनी राय देते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इससे कॉन्सेप्ट की भी समझ विकसित होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, विनम्रता एवं सहयोग के मूल्यों और प्रभावी संप्रेषण, गहन सोच एवं रचनात्मक सोच के कौशल का विकास होता है।
क्या नवाचार बाल केंद्रित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी होने से एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षा के अनुपात का भी पूरा ख्याल रखा गया है। शिक्षक स्वतंत्रता की ओर पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस तरह के ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIITI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIITI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप यूनिवर्सिटी पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।